स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे इस खास स्पेशल प्रोग्राम में। जी हाँ, देश दुनिया समाज, ये हमारा खास कार्यक्रम आज आप सबके बीच लेकर आए हैं। और इस कार्यक्रम में हम आप सबको बताएंगे सीएम भगवंत मान की उस बहन के बारे में जो कि राजनीति की दुनिया में बहुत ही बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, अभी तक आम आदमी पार्टी सीएम भगवंत मान पर जो मेहरबान हुई, सीएम की कुर्सी तक उन्हें बैठाया गया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख चीफ यानी कि केजरीवाल साहब, सीएम केजरीवाल ने सीधा भगवंत मान जो कि कॉमेडियन से राजनीति में आए और उसके बाद उन्हें सीधा पंजाब की मुख्यमंत्री का पूरा जिम्मा मिल गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे सीएम भगवंत मान की राजनीति से पंजाब बहुत खुश है। पंजाब की जनता सीएम भगवंत मान को दिल से स्वीकार चुकी है और एक मौका सीएम भगवंत मान को देती हुई इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफा आम आदमी पार्टी की जीत के साथ जनता ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे ज्यादा पंजाबी के भलाई के लिए काम करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लेकर बात हो रही है तो केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान के कैसे रिश्ते हैं, इस पर भी हम आप सबकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आप सबको बताएंगे कि किस प्रकार से संगरूर उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। जी हाँ, सीएम भगवंत मान की सिस्टर बहन को संगरूर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान पर उतार सकती है, खबर ये आई हुई है तो जानकारी आप सबको देना चाहेंगे उनके बारे में, बहुत ही दिलचस्प। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सुनील जाखड़ को संगरूर उपचुनाव के लिए बीजेपी चुनावी मैदान पर उतार सकती है, ये खबर आई है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे आखिर वो कौन है सीएम भगवंत मान की वो बहन जिन पर मेहरबान हो गए हैं सीएम केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर हर फैसले सीएम केजरीवाल ही लेते हैं। कुछ दिन पहले जब आम आदमी पार्टी को लेकर केजरीवाल को ट्रोल किया गया था, जब आप सरकार की तरफ से तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया, तो फिर आवाज उठी कि सीएम केजरीवाल के पॉकेट में है भगवंत मान और पंजाब पुलिस जो है केजरीवाल की उंगलियों के इशारे पर नाचती है कठपुतलियों की तरह। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लेकर हर फैसले जो सीएम केजरीवाल को लेकर के ही होते हैं आखिर में, अब भगवंत मान की बहन पर सीएम केजरीवाल मेहरबान है तो वो जानेंगी आखिर कौन है वो जिन पर इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी मेहरबान है। तो चलिए, मोदी अमित शाह के पसीने कैसे छुड़ाएगी भी सीएम भगवंत मान की बहन जो कि सुनील जाखड़ के साथ सीधे टकराने वाली है। जी हाँ, संगरूर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान की उस बहन का नाम मनप्रीत कौर है जिनको मैदान पर उतार सकती है आम आदमी पार्टी, ये फैसला हो चुका है। संगरूर से बीजेपी सुनील जाखड़ को अपना कैंडिडेट बना सकती है बीजेपी, ये फैसला आ गया है। लगभग पंजाब में संगरूर लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा उपचुनाव को लेकर तैयारियां, जिस तरह से यूपी में आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर चर्चा है। तो आपको बता दें कि भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर को सिर से चुनाव लड़ाने के लिए केजरीवाल की तरफ से कहीं ना कहीं रजामंदी मिल गई है। मनप्रीत कौर जिन्होंने इस बारे में खुद से ही कहा है पार्टी को लेकर केजरीवाल के लिए, उन्होंने कहा अगर पार्टी अलकनाम मुझे जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं जरूर स्वीकार करूंगी इस फैसले को। यानी कि सीएम केजरीवाल तक ये बात भगवंत मान की बहन ने पहुंचा दी है कि अगर ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, अगर मुझे चुनावी मैदान पर उतारा जाता है तो मैं इसे दिल से स्वीकार करूंगी। देखिए, सीएम भगवंत मान के परिवार भी पार्टी में इतना बड़ा कद अपना बढ़ाने वाले हैं तो परिवारवाद का इल्जाम अभी तक गांधी परिवार पर आया था कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के यादव परिवार पर आया था, राजद पर आया था बिहार में, अब यही परिवारवाद का इल्जाम जरूर आम आदमी पार्टी पर लग सकता है। तो इसके बावजूद अगर सीएम केजरीवाल भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर को ये मौका देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम भगवंत मान की अपनी वाइफ अपने दोनों बच्चों को, बेटे और बेटी को लेकर अमेरिका में रहती है। जब भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह था भगत सिंह के अपने गाँव में, तो वहां पर सीएम भगवंत मान के बच्चे पहुंचे थे और पिता के इस बड़े दिन पर
बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर करते नजर आए थे, उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, जिनके साथ सीएम केजरीवाल के बहुत अच्छे रिश्ते बताए गए। सीएम केजरीवाल की अपनी बेटी के साथ भी सीएम भगवंत मान के अच्छे रिश्ते रहे, जिन्हें अपना चाचा का सम्मान देती आई हैं केजरीवाल की बेटी। तो अब यहाँ पर जब भगवंत मान और सीएम केजरीवाल के साथ ये रिश्ता निजी बहुत खूबसूरत होता चला गया है, क्योंकि भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल के सामने ऐसी अपनी छवि बना ली है कि वो पूरी तरह से उनके जो है बिल्कुल छोटे भाई बन चुके हैं। भगवंत मान को अपना छोटा भाई कहते हैं केजरीवाल, तो भगवंत मान की बहन के साथ उनका कैसा रिश्ता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये भाई बहन जैसा ही बहुत खास रिश्ता बन चुका है। अब माने अगर खबरों की सूत्रों की, तो बीजेपी संगरूर से सुनील जाखड़ को मैदान पर उतारने के लिए तैयार है, लेकिन सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ा है और बीजेपी के लिए क्या सुनील जाखड़ इतना ज्यादा मजबूत दावेदार होंगे, क्योंकि जाखड़ परिवार 50 साल से कांग्रेस के साथ खड़ा था। सुनील जाखड़ बहुत बड़े नेता है और कांग्रेस ने कहा जहां भी सुनील जाखड़ जाएंगे वहां पर वो अपने आप को साबित करेंगे, तो बीजेपी का फायदा ही फायदा सुनील जाखड़ पहुंचाने वाले हैं। तो मुश्किलें भगवंत मान की बहन पर बड़ी आएगी। मनप्रीत कौर के बारे में जब हमने आपके बीच बात की है, तो भगवंत मान के सांसद पद से इस्तीफे के बाद संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव जहां होने वाले हैं वहां पर उनकी बहन को उतारने का फैसला लिया गया, जहां से सीएम भगवंत मान ने इस्तीफा दिया। अब आम आदमी पार्टी के सीएम की बहन मनप्रीत कौर को उम्मीदवार बनाने के अगर फैसले हैं तो इससे बहुत खुश है मनप्रीत कौर। पहले भी शिक्षिका थी मनप्रीत कौर, उनके पेशे के बारे में जानिए, राजनीति में आने से पहले शिक्षिका के तौर पर वो काम किया करती थी, राजनीति में सक्रिय अब वो हो गई है ज्यादा और उनका दिलचस्पी भी बढ़ गया है जब से सीएम भगवंत मान जब से सत्ता की कुर्सी पंजाब में संभाल रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ बीजेपी में आकर अपने आप को साबित करने का मौका ढूंढ रहे हैं, और देखिए अब चुनाव आ गया है, चुनाव तो ऐसे में खुद को वो साबित करेंगे, तो चुनौती बहुत बड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में भगवंत मान की बहन पर क्या जनता विश्वास दिखाएगी, क्योंकि भगवंत मान को जो है सो जनता ने स्वीकारा, लेकिन इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जनता का विश्वास टूट गया, लेकिन सुनील ने कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को चुना है चुनावी मैदान पर उतरने के लिए, तो सुनील का कदभार तो बड़ा है। सुनील जाखड़ की जीत हमेशा तय रही है जहां से वो लड़े हैं। तो यहां पर देखिए सुनील जाखड़ को बीजेपी अगर उम्मीदवार बनाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस फैसले के आगे बड़ी चुनौती भगवंत मान की बहन उन्हें देने वाली है, मोदी अमित शाह के लिए चुनौती बनने वाली है। अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ 14 मई को फेसबुक लाइव हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को लेकर गुड बाय कहा और 50 साल पुराना रिश्ता तोड़ा। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात यहां पर सामने आती है कि वाकई में किस प्रकार से पंजाब में जो है सो चुनाव से पहले तैयारियां आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपा जोरों शोरों से कर रही है। उधर राजस्थान में 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल अपना सत्ता में पूरा करने पर जनता के बीच शुक्रिया अदा करने के लिए जनसैलाब के बीच बहुत ही बड़ा एक खूबसूरत से आयोजन का हिस्सा बनेंगे, वहां हुंकार भरेंगे जहां कांग्रेस को कमजोर किया जाएगा। तो पंजाब में अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खड़ी की जा रही है, और इस लड़ाई का इस राजनीतिक जंग का हिस्सा अब सीएम भगवंत मान की बहन बनने के लिए तैयार है। वाला आपका क्या कहना है इस बारे में हमें आप हमारे खास रिपोर्ट के जरिए जरूर बताएं। जी हाँ, आप हमें बताएं कि वाकई में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। हाल ही में बीजेपी को धूल चटाने का काम भगवंत मान की सरकार ने किया। बीजेपी के एक प्रधान है जो कि पंजाब पुलिस से टकरा है, पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने जब उनका चलान काटा हेलमेट ना पहनने पर, तो वहीं उनकी गाड़ी पर वो बैठ गए और वहां पर धरना करने लग गए, हंगामा करते नजर आए, पंजाब पुलिस के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और धमकियां देनी शुरू कर दी कि दांत तोड़ दूंगा। तो ऐसे में भगवंत मान की सरकार चुप नहीं रहेगी, बीजेपी के उस प्रधान को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने डंडा चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किलों में है, तो इसीलिए भगवंत मान की उम्मीदें ज्यादा बनी हुई है। वेल, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें हमारी खास रिपोर्ट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।